हमें भी नीचे ही बोलना पड़ेगा।
ट्रेनिंग के हिसाब से नीचे बोलो बेटर, फिर नीचे आओ इसमें यहाँ से अब जो भी होगा इंक्लूड कर, इंक्लूड होता है सर नहीं ओके इसमें ऊपर ही लेफ्ट तो कर दिया बस टेक साउंड एक्शन क्या होगा अब जो भी होगा यही होगा इसका तुम जरा संभाल के ख्याल रखना मैं अच्छे से डॉक्टर लेके आता हूँ ओके अम्मा इस पिक्चर में है अयूब मधु अंजलि और मैं डायरेक्टर पार्थो घोष म्यूजिक राजेश रोशन ये पिक्चर आउट एंड आउट कॉमेडी है इसका बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करना इट्स एब्सोल्युटली मैड फिल्म इट्स वेरी गुड बिकॉज क्या होता है कॉमेडी में एज एन एक्टर आपको बहुत डिपेंड करना पड़ता है डायरेक्टर पे यू नो बिकॉज टाइमिंग एंड क्यूइंग एंड डायलॉग्स एंड एक्शन रिएक्शंस इसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है एंड आई थिंक इज अ बिग हेल्प इन फैक्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग हेल्प अ लॉट टू आवर परफॉर्मेंसेस ये आई वेरी डिफिकल्ट इट्स अ मैड फिल्म इट्स अ मैड फिल्म इनफैक्ट ऑल द सीन्स दैट जितने भी फिल्माए जा रहे हैं शेड्यूल में हमें लगता था ये पागल सीन है नेक्स्ट यू कम लाइक दिस इज उससे भी पागल गया गुस्सा है इज मैड एब्सोल्युटली बिकॉज आई थिंक नाउ पीपल वॉन्ट अ चेंज दे वॉन्ट टू इन्जॉय अ फिल्म एंड नॉट नेसेसरली क्राई इन इट
जैसी आई डोंट नो इफ आई मीन आई थिंक पीपल नाउ लुकिंग फॉर फिल्म दैट दे डोंट नीड टू कॉन्सेंट्रेट टू मच वेरी नाइस वेरी प्लेजेंट इनफैक्ट द कंप्लीट स्टार कास्ट इन द होल यूनिट इन इट्स वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस ये शायद पहली पिक्चर है जिसके गाने पहले मैंने शूट कर लिए द फर्स्ट पहले शेड्यूल में ही हम लोग ने पांचों गाने कर लिए थे सो आई लव द म्यूजिक एंड लेट्स सी आई एम इनफैक्ट मेरे वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स इज मिस्टर राजेश रोशन तो ये उनके साथ पहली पिक्चर है सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग एंड आई इज गिवन मी ग्रेट सॉन्ग्स मधु एक कौन आर्टिस्ट है एक तो पहले भी यही नाटक करके घर लूट चुकी है हम देखते हैं कि वो बाहर वापस दूसरी यू नो शी इज डूइंग इट समबडी एल्स एंड हम कैसे उसको ट्रिक करके यहाँ तक लेके आते हैं फिर उसे फंसाते हैं एंड जस्ट ए हिलेरियस सीक्वेंस एक्चुअली तो दांत दिखाओ और ये वेरी नाइस तुम भी दांत दिखाओ कैमरा में इधर तुम भी दांत दिखाओ ई करके आया करके नहीं ई करके स्माइल करो नहीं जीभ नहीं दांत क्या चिक्कू अरे वाह वो खा भी रहा है सॉलिड दांत है इसके सॉलिड दांत है इसके रसगुल्ला देखना रसगुल्ला ए चिक्कू किधर देख रहा है कैमरा उधर है उधर देख उधर उधर उतर उतर हेलो बोलो मम्मी डैडी को हेलो बोलो मम्मी डैडी को कैमरा में हेलो बोलो टाटा करो टाटा दो दो खा रहे हो एक साथ हाँ टाटा करो वेरी गुड वेरी गुड और चाहिए और चॉकलेट चाहिए हाँ और चॉकलेट चाहिए खाएगा खेलने का नहीं है तुम्हें हाँ हे छोटू क्या है तुम्हारा नाम बोलो कैमरा में नाम बोलो मुझे बताया था ना नाम क्या है तुम्हारा जी 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 एक सेकेंड ना चलो हाँ क्या है नाम तुम्हारा क्या नाम तुम्हारा बोला बोलो बीबी क्या नाम तुम्हारा पहले टॉफी खाना बंद करो फिर बोलो क्या नाम है बाबा कैमरा को बोलो 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 कैमरा को नाम बताओ क्या है नाम तुम्हारा क्या दिखा अंकित दीक्षित और तुम्हारी बहन का नाम क्या है बहन का नाम क्या है क्या है निया दीक्षित हाँ निया दीक्षित निया दीक्षित हाँ बैक अप फॉर एवरीवन आई थिंक They're gonna cut the cake now. Shoot. मैं इस पिक्चर में एक सड़क छाप टाइप चोरी करने वाली पॉकेट मारने वाली लड़की हूँ और मतलब बहुत हम सब जो चार हैं मैं अतुल मधु अयूब हम सब पॉकेट मार रहे हैं लेकिन छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं हम बैंक लूटना ये वो तो हमारी बस की बात नहीं है और बहुत मज़ा लेते हैं चोरी करने में डाका डालने में ऑन अ स्मॉल स्केल ऑफ कोर्स और कैसे हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पड़ जाते हैं मतलब वी सॉर्ट ऑफ गेट ट्रैप्ड यू नो इनटू अ अनएक्सट्रेबल अनएक्सट्राइटेबल सिचुएशन और कैसे हम उस सिचुएशन से निकलते हैं एंड इट्स वेरी फन फिल्म कम्प्लीटली मैड है नैना फनी है और It's a riot, it's a laugh. The whole film. बहुत ही क्यूट है अरे बहुत ही अच्छा वो तो लंच टाइम से ही पैकअप कर देते मतलब चाहे 9 to 6 शिफ्ट हो या 2 to 10 हमेशा लंच के बाद पैकअप नहीं आई एम जस्ट जोकिंग बहुत ही अच्छे हैं वेरी स्वीट टू वर्क विथ और एक बहुत मतलब क्यूट फन लविंग यू नो सॉरी वो जेंटलमैन है और सीन समझते हैं आपके सजेशंस भी वो इंक्लूड करते हैं मतलब सीन के वक्त और मतलब बहुत ही फन है उनके साथ काम करने में वेरी नाइस मधु आई मेट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पहली बार मिल रही हूँ इसी सीन में आज ही और बहुत अच्छी लड़की है वेरी नाइस टू टॉक टू
एंड अतुल भी बहुत अच्छा है एंड वी शेयर वेरी गुड रैपो वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप वेरी गुड रैपो तो इट्स अ होल बिग हैप्पी फैमिली हमने दो बहुत क्यूट गाने पिक्चराइज किए मॉरिशस में एक तो है शट अप शट अप जी हाँ शट अप शट अप और दूसरा है बेबा मुंडिया और वो भी जैसे मैंने आपको वन लाइन फिल्म के बारे में बताया कि इट्स अ वेरी फनी फिल्म वेरी बहुत ही नॉटी मिस्चिवस कॉमेडी टाइप फिल्म है तो उसमें गाने भी उस किस्म के हैं सिचुएशन के हिसाब से और एक में है जहाँ पे एक रोमांटिक सीन स्टार्ट होता है जहाँ अतुल एक बहुत ही अलग तरीके से मेरे घर में घुस आता है और जो सीन होता है हमारे बीच और उसके बाद ये शट अप शट अप गाना होता है और पुलिस मेरे पीछे है और अतुल के पीछे भी है लेकिन मैं ज़्यादा घबराई हुई हूँ उस गाने में और दूसरा दूसरी जो सॉन्ग सिचुएशन है वो है कि मतलब इस्टेब्लिश हो गया है कि अतुल और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लेकिन हम इंडिविजुअली वही है वो मस्तीखोर चोर मस्तीखोर चोर इट्स गुड राइम राजू वेरी गुड अच्छा मेकअप किया रमणा सर थोड़ा सा इधर 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 थोड़ा सा बंद शक्ति का बह गई थोड़ा सा इधर हां सर हां दादा 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 मन में बाहर है ना पैसा रहना था फेस पे अच्छा लग रहा है चले इधर आजा तेरा साथ दिया तेरा बारह बजे चले अंजू दे चश्मा पहन लीजिए रमन्ना तुम्हारा बर्थडे नहीं है यार तू इतना सीरियस क्यों वो कैसेट रिलीज होता है ना सब लोग ऐसे चलो निकल कल कितने बजे सात आठ बजे तक आ जाओ मतलब नौ नाइन शुरू हो जाना चाहिए नाइन शुरू अरे वेरी गुड